नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड हीलियम 1 एंड 2। तो देखिए, लिक्विड हीलियम जो होती है हमारी, मतलब द्रव्य हीलियम, वो बहुत सी ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस लिक्विड हीलियम को अलग से पढ़ते हैं। तो देखिए, जो लिक्विड हीलियम हमारी होती है वो एक कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और हाईली वॉलेटाइल लिक्विड होती है। दैट मीन्स एक रंगहीन, पारदर्शी और सुवाष्पीय पदार्थ होती है, जिसकी जो हमारी घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, डेंसिटी वो होती है 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब मैंने बोला कि जो लिक्विड हीलियम है वो हमारे कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि इस पदार्थ को हम लोग कितना भी कम टेम्परेचर कर ले, कितना भी कम ताप कर ले, लेकिन वो क्या होता है, एक एटीएम प्रेशर के ऊपर, मतलब नॉर्मल प्रेशर पर हम लोग कितना भी कम टेम्परेचर कर ले, ताप कर ले, लेकिन वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, मतलब वो ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। नॉर्मली हमारा क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम लोग ताप कम करते जाएंगे, वाष्प से वो लिक्विड में, मतलब तरल में कन्वर्ट होएगा, फिर वेपर से लिक्विड के बाद में लिक्विड से सॉलिड में, मतलब तरल से वो ठोस में परिवर्तित होता है। लेकिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है, वो उसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज कर ले, 0 केल्विन पर ले जाए, तो भी वो सॉलिडिफाइड नहीं होगा, मतलब ठोस में परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जिसका एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि यदि हम लोग उसका जो दाब है, प्रेशर, वो बढ़ाए, तो हम लोग लिक्विड हीलियम को क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब 23 एटीएम प्रेशर लगाया, 23 एटमॉस्फेयर दाब के ऊपर, हमारा ये 1.1 केल्विन पर वो सॉलिड हीलियम में कन्वर्ट होती है, वैसे 140 एटीएम पर 4.2 केल्विन पर, वैसे 5600 एटीएम प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया उस पर, हमारी क्या होगी, ये 42 केल्विन पर ये सॉलिडिफाई होती है। तो देखिए, सॉलिड हीलियम जो होगा हमारी, उसकी भी वही प्रॉपर्टीज होती है ऑलमोस्ट जो लिक्विड हीलियम की होती है। देखिए, जैसे कि वो कलरलेस होती है, मतलब रंगहीन होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, और वो हाईली वॉलेटाइल, दैट मीन सुवाष्पीय होती है। अब देखिए, ये है हमारा फेज इंटीग्रेटेड डायग्राम, दैट मीन्स प्रावस्था आरेख। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, ये आरेख बनाए हुए हैं, इधर ये तो है सॉलिड, ये वाला जो एरिया है वो है लिक्विड हीलियम के लिए, ये है हमारा वाष्पीकरण। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर भी चेंज किया, उससे जो टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को नोट किया, राइट, यही किया है हम लोगों ने इसके अंदर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाली लाइन BAC। तो देखिए, इसमें क्या, इधर की साइड ये पेपर में है, इधर की साइड ये लिक्विड फॉर्म में है, दैट मीन्स BAC हमारी कौन सी लाइन होगी, BAC जो होगी हमारी वो प्रेशर का इफेक्ट बताएगी बॉइलिंग पॉइंट पर, मतलब क्वथनांक में कैसे परिवर्तन आ रहा है, प्रेशर में परिवर्तन करने की वजह से वो बताएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमने प्रेशर चेंज किया, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर इतना था तो क्वथनांक हमारा ये था, अब यहाँ पे हमने प्रेशर इतना हो गया तो क्वथनांक हमारा इतना हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा, प्रेशर यहाँ पे आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ इतना होगा, वैसे यदि प्रेशर हम लोगों ने इतना कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो सी जो होता है हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सी जो होता है हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, 2.26 एटीएम प्रेशर 5.2 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए, इसलिए हम लोग BAC जो है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड वेपर फेज लाइन, राइट। फिर दूसरी लाइन होती है हमारी DEF वाली, इसमें क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होगा, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, हमारा इफेक्ट क्या देखते हैं, प्रेशर का इफेक्ट, मतलब दाब का इफेक्ट, फ्रीजिंग पॉइंट पर, हिमांक पर दाब का क्या प्रभाव होगा हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा क्या होगा, वक्र के ऊपर की साइड, मतलब यहाँ पर तो वो सॉलिड होगा, इधर सर वो लिक्विड फॉर्म में होगा, इसलिए हम लोग इस लाइन को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड फेज लाइन। इस वक्र के ऊपर हीलियम ठोस में पाया जाता है और नीचे तरल रूप में पाया जाता है, तो इस वक्र को हम लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड फेज लाइन या फिर फ्यूजन कर्व, मतलब संलयन वक्र। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोगों ने बहुत कम कर दिया, मतलब इसको बिल्कुल इधर मिलाएंगे तो वो ठोस आएगा, राइट, 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी हम लोगों के पास क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ये ठोस में नहीं होगा, दैट मीन्स हम लोगों को क्या चाहिए, कम से कम 25 एटीएम प्रेशर चाहता है 0 केल्विन पर, जब जाके ये जो हमारा हीलियम है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब ठोस के रूप में परिवर्तित होती है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो लिक्विड हीलियम है वो ठोस में परिवर्तित नहीं होती है नॉर्मली, उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगाते हैं जब जाके वो होती है, तो कम से कम कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, 25 एटीएम का, तभी वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी। अब देखिए, अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि
जो हमारा फ्यूजन कर्व था DEF और BAC जो हमारा था सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व, ये दोनों के दोनों किसी भी एक पॉइंट पे मिलते नहीं है। दैट मीन्स हिमांक वक्र जो हमारा था DEF और क्वथनांक वक्र जो हमारा था BAC, वो दोनों के दोनों किसी भी एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं। इसलिए लिक्विड हीलियम जो है हमारी, उसका कोई भी ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, मतलब त्रिक बिंदु नहीं होता। त्रिक बिंदु क्या होता है? जिस पर तीनों प्रावस्थाएँ हम लोग को मिलती है। फोर्थ चीज़ है हमारे, देखिए पॉइंट ए क्या था हमारा, जहाँ पर हमारा कर्वेचर जो है कर्व का वो चेंज रहता है। दैट मीन्स वक्र की वक्रता जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है ए बिंदु पर, जो कि है 0.05 ATM प्रेशर और 2.19 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा पॉइंट। देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वक्र की जो कर्वेचर है कर्व का, वक्र की वक्रता उसमें परिवर्तन आ रहा था, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा पॉइंट। वैसे देखिए एक यहाँ पर हमारे सॉलिड इस वाली जो लाइन है उसमें भी यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा वो चेंज हो रहा है कर्वेचर। देखिए हम लोग ई और ए को मिलाएंगे तो हमारी ये एक लैम्डा लाइन आती है, मतलब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लैम्डा लाइन, जो ई और ए को मिलाती है। तो देखिए हम लोग के पास क्या आएगा, ये लिक्विड हीलियम है दोनों साइड, तो ये लैम्डा लाइन जो होती है हमारी, उसके जो राइट हैंड साइड वाला जो लिक्विड हीलियम होता है वो नॉर्मल जो हमारा लिक्विड है उसकी तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है, लेकिन इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिक्विड हीलियम होता है, जिसको हम लोग लिक्विड हीलियम 2 बोल रहे हैं, वो बहुत सी अबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो हमने यही बोला कि ई पॉइंट है वहाँ पे कर्वेचर में चेंज आता है, वो होता है P=30 ATM प्रेशर और T=1.75 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ए और ई को मिलाने वाली लाइन होगी हमारी लैम्डा लाइन, लैम्डा रेखा। अब देखिए लिक्विड हीलियम जो है हमारी, वो दोनों साइड पे लैम्डा लाइन के दोनों साइड पे लिक्विड हीलियम ही मिलती है, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो लिक्विड हीलियम होता है वो हमारा नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, सामान्य द्रव की तरह की भांति व्यवहार करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं द्रव हीलियम 1। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है वो अबनॉर्मली बिहेव करता है, मतलब असामान्य व्यवहार दिखाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड हीलियम 2। तो ये दोनों, तो हमारी लैम्डा लाइन जो होगी वो कौन सी लाइन होगी, वो एक ऐसी लाइन होगी जो लिक्विड हीलियम 1 और लिक्विड हीलियम 2 के बीच में। तो इसलिए हम लैम्डा लाइन को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन लाइन, मतलब प्रावस्था संक्रमण रेखा। अब आज के लिए हमारा होमवर्क है, फर्स्टली व्हाट इज लैम्डा पॉइंट, सेकंड डिस्कस फेज डायग्राम ऑफ हीलियम, थर्ड व्हाट इज हीलियम 2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।